तो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में क्या बताया गया है कि अगर आप कोई सोप के बबल्स लो, धूप में देखो तो चमकते हैं, रंग बिरंगा पैटर्न आता है, कई बार नहीं भी आता, कई बार आता भी है, ठीक। या अगर आप पानी के ऊपर पेट्रोल घेर दो या केरोसिन घेर दो तो रंग बिरंगा पैटर्न उसमें भी दिखता है, होता है। या फिर अगर आप कोई पीकॉक देखो, मोर के पंख धूप में देखोगे तो उसके अंदर भी रंग बिरंगे पैटर्न चमकते हैं। तो ये सब इंटरफेरेंस ही है, इनमें भी मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉब्लम्स हैं, इसके अंदर भी इंटरफेरेंस है। अब फर्क ये है कि इसमें व्हाइट लाइट नेचुरल लाइट है, सात रंग की बनी हुई है, सात रंग सात रंगों के साथ इंटरफेयर करते हैं तो रंग बिरंगा पैटर्न दिखता है आपको, पर है रीजन इसका इंटरफेरेंस। तो उनके अंदर जैसे सोप फिल्म के इंटरफेरेंस है, रंग बिरंगी दिख रही है, इसको बोलते हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस। अब ये थिन फिल्म सोप की भी हो सकती है, ये केरोसिन की जब पेट्रोल डालते हो उस लेयर पे भी चल सकती है, किसी में भी हो सकती है। तो इसमें आपको क्या बताया हुआ है कि जैसे कोई भी एक सोप का मॉलिक्यूल लें, ठीक है, कोई भी एक सोप का मॉलिक्यूल लें, जैसे ये रहा, इसकी टॉप की सरफेस ऐसी कि इसमें वाटर अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो थिक दिखेगी, वैसे बहुत पतली होती है, पर अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो काफी थिक दिखती है आपको, तो ऐसी दिखेगी वाटर। तो जैसे ये रहा, जैसे ये रही, ठीक है, तो इसकी इनर सरफेस है कुछ इस तरीके से ये रही। तो हुआ क्या एक्चुअल में, तो अगर आप इस सरफेस को थोड़ी फ्लैट बनाओ, लाइट आ रही है, लाइट आई, लाइट का कुछ हिस्सा ऊपर के पानी की सरफेस से रिफ्लेक्ट होके चला गया और कुछ रिफ्लेक्ट कर गया, और रिफ्रैक्ट करके कुछ नीचे की सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया, कुछ तो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ अंदर घुस के रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ सीधा नीचे भी चला गया। तो ये जो दो वेव मिलेंगी ये आपस में इंटरफेयर कर सकती हैं और क्या जनरेट कर सकती हैं, मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक है यहां तक। तो ये टॉपिक हमने डिस्कस करना है, तो इसके लिए इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म के अंदर पहले डायग्राम समझते हैं। जैसे ये आपके पास एक थिन फिल्म है, ये मान लो फिल्म है, अब लाइट आई, लाइट आई, लाइट का कुछ हिस्सा सीधा रिफ्लेक्ट कर गया और कुछ रिफ्रैक्ट कर गया, जो रिफ्रैक्ट किया इसमें से कुछ हिस्सा क्या कर गया, वापस रिफ्लेक्ट कर गया और कुछ हिस्सा आगे रिफ्रैक्ट कर गया, ठीक है। तो ये यहां पे आई और फिर रिफ्रैक्ट होके बाहर चला गया ऐसे, ठीक है यहां तक। तो लाइट आई, लाइट आई, कुछ हिस्सा क्या कर गया, रिफ्रैक्ट कर गया, कुछ रिफ्लेक्ट कर गया। अब ये सीधी रिफ्लेक्शन हो गई और ये अंदर अंदर जाके रिफ्लेक्शन हुई, ये आगे लाइट कहाँ मिलेंगी और क्या जनरेट करेंगी वो डिपेंड करेगा क्रेस्ट क्रेस्ट पे या ट्रफ ट्रफ पे। ऐसा भी क्यों हुआ, उसका रीजन भी है। रीजन क्या है, इस लाइट ने तो सिर्फ पाथ डिफरेंस कितना जनरेट किया, एन, बस इस सरफेस के बाद इसे एन डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन यहां से ये जो वेव है इसने कितना ट्रेवल किया, AC+CT, AC+CT। तो अगर मैं पूछूं कि पाथ डिफरेंस कितना है अपर सरफेस पे, तो पता है क्या बोलोगे, AC+CD-AN। तो ये जो डिस्टेंस है किसमें कवर हो रहा है, ये थिन फिल्म में कवर हो रहा है, और ये किसमें कवर हो रहा है, ये एयर में कवर हो रहा है। अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास पार्ट डिफरेंस आएगा और ये पार्ट डिफरेंस डिसाइड करेगा कि मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा। तो ये क्लियर है यहां तक। अब दूसरा केस ऐसा है, ये मैंने दिखाया नहीं, लाइट यहां भी जा रही है, ठीक है, मैंने आधा दिखाया, ऊपर ऊपर सरफेस भी दिखा दिया। इसका अगला डायग्राम ऐसा बन सकता है, ये देखो, ये कुछ ऐसा, ये देखो, लाइट आई रिफ्रैक्ट कर गई, हाँ रिफ्लेक्ट भी हुई, पर मैंने वो ऊपर का डायग्राम उड़ा दिया, बन रहे, बन तो ये भी रहे हैं, बन ये भी रहे, आधा आधा करके दिखा रहा हूं, पहले रिफ्लेक्शन दिखा रहा हूं अब रिफ्रैक्शन दिखा रहा हूं। तो लाइट आई रिफ्रैक्ट कर गई, कुछ रिफ्लेक्ट कर गई, फिर यहां से रिफ्लेक्ट कर गई और ये सीधी रिफ्रैक्ट कर गई। तो ये देखो इसके अंदर पाथ कैसा बना, तो लाइट आई, ये लाइट यहां रिफ्रैक्ट कर गई, लाइट का कुछ हिस्सा यहां गया रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ रिफ्रैक्ट भी हो गया और कुछ यहां पर आ गया ऐसे, और यहां से ये रिफ्रैक्ट कर गया। तो अब इसमें क्या हुआ, ये जो वेव दो जाएंगी इनका पाथ डिफरेंस डिसाइड करेगा कि मैक्सिमा या मिनिमा होगा। तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, दिस प्लस दिस माइनस दिस। तो ऐसा कुछ इसमें इंटरफेरेंस होगा, तो
तो इंटरफेरेंस सोप की फिल्म में दो जगह होता है, सोप की फिल्म के ऊपर अलग होता है और सोप की फिल्म के नीचे अलग होता है। क्लियर है यहाँ तक? ये टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है, बड़े लंबे प्रूफ है, नहीं करने आपने। तो सिंपली आपने क्या करना है, इसमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट दो जगह पे होता है, पहले ऊपर की सरफेस, ऊपर की सरफेस पे लिखा होगा कि रिफ्लेक्टेड इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। तो अगर यहां पे इंटरफेरेंस का क्वेश्चन आ गया तो आपने इसमें क्या लिखा होगा, इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। और ऐसी अगर नीचे की सरफेस पे आ गया, नीचे की सरफेस पे आ गया, तो नीचे की सरफेस का मतलब जो ट्रांसमिटेड लाइट है, ये ट्रांसमिटेड लाइट बोलते हैं इसे, जो रिफ्रैक्शन के बाद आ रही है या आगे ट्रांसमिट हो गई, तो इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। तो यानी कि नीचे के इंटरफेरेंस पूछ रहा है, यानी कि थिन फिल्म के अंदर आपको क्वेश्चन दो किस्म के आ सकते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा कि इंटरफेरेंस ऊपर की सरफेस पे है, रिफ्लेक्टेड सरफेस पे है या ट्रांसमिटेड पे है, ये देखना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो इसके लिए, इसको करने के लिए मैंने सिंपली ये काम किया हुआ है, इसमें ये देखो, तो इसको करने के लिए आपके असाइनमेंट में भी लिखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, मैंने ये फॉर्मूला नोट किए हुए हैं, प्रूफ बहुत लंबे हैं, प्रूफ नहीं करने, आपने सिर्फ फॉर्मूला देखने हैं। तो इसमें अगर आप डेरिवेशन करें, करनी नहीं है, जो पाथ डिफरेंस आता है रिफ्लेक्टेड सरफेस पे वो आता है 2μt cos r, 2μ फॉर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, टी फॉर थिकनेस ऑफ दिस फिल्म, टी फॉर थिकनेस, आर का मतलब यहां पर एंगल ऑफ, ये जो आर बनेगा ये एंगल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू, अगर ये पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल है लैम्डा बाई टू, 2n+1 × λ/2, तो कौन सी कंडीशन आएगी, ब्राइटनेस की, और अगर ये n लैम्डा है तो कौन सी कंडीशन आएगी, डार्कनेस की। ठीक है यहां तक? तो ये फॉर्मूला याद करना है और कुछ नहीं करना, बस बात खत्म। तो कब ये फॉर्मूले कब लगेंगे, जब आपकी जो इंटरफेरेंस है वो कहां पर हो रही है, ऊपर की सरफेस पे, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस पे। ठीक है यहां तक? जो वो तो स्क्रीन रखेंगे, नहीं भी रखेंगे तो धूप में वैसी हवा में हो जाती, दिखती है मास, सरफेस के ऊपर हो जाती है, बहुत नजदीक सरफेस के। ठीक है, और ऐसी अगर ट्रांसमिटेड लाइट है, ये ट्रांसमिटेड है, ट्रांसमिटेड लाइट में ब्राइटनेस की कंडीशन उल्टी हो जाती है ऊपर वाले से, ऊपर जो था ब्राइटनेस की क्या कंडीशन थी, डार्कनेस की क्या कंडीशन थी, एन लैम्डा, इसमें क्या हो जाता है, ब्राइटनेस की कंडीशन हो जाती है एन लैम्डा और डार्कनेस की 2n+1 × λ, उल्टे फॉर्मूला चलते हैं। तो ऊपर की सरफेस पे जो फॉर्मूला है, नीचे की सरफेस एग्जैक्टली उसका उल्टा लगेगा, ये इसका रिजल्ट है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो फिर इन फॉर्मूला से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।